वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहर्ष क्रेजी वर्ल्ड में और मैं जी आपकी होस्ट सहर्ष शिष्पा। तो जी एक बहुत ही ज़बरदस्ती मेकअप वीडियो लेके आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जल्दी से मेकअप की तरफ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाऊं और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो। सो खैर गाइस, जल्दी से अपना जो है क्विक सा गेट रेडी कर लेते हैं और ड्रेस दिखा देती हूँ आपको। ड्रेस है मेरा कुछ इस तरह का, ठीक है। ये शर्ट है और ये दुपट्टा है और इसके साथ जो है ये वाला है ट्राउज़र। सो ये है जी मेरा फुल ड्रेस। और आपने मेरे फुल लुक देखने के लिए क्या करना है, आपने जाना है इंस्टा पे, ठीक है। वहाँ पे मेरा अकाउंट है सहर्ष शिष्पा के नाम से, वहाँ उसको फॉलो कर लें। वहाँ मेरी सारी फोटोज़ और मेरे शूट्स वगैरह सब वहाँ अपलोड होते हैं गाइस, तो वहाँ से आपने देख लेने हैं। और बस जल्दी से अपना ना पिक्सा मेकअप स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ रुके ज़रा, और आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है। चले जी अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है प्राइमर, ठीक है, ये मेबेलिन का। ये जस्ट हम टू टू निकलो भाई निकल है, ठीक है, इतना सा ले लिया है। टू थ्री ड्रॉप्स ले लिए हैं। ये पोर फिलर प्राइमर है आगवार, ठीक है। ये लगा लेते हैं पूरे फेस पे। फाइनली ये मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद एक और प्राइमर है मेरे पास एल्फ का, ठीक है, वो है एक्ने कंट्रोल करने की, ठीक है, एल्फ का ये वाला। सो अब मैं ये वाला प्राइमर इसके ऊपर लगा लूँगी और ये बहुत अच्छा है। फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन में थोड़ा सा लाइट ही रखूंगी, मिनिमल के साथ हम जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मिनिमल में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी कवरेज जो है वो अच्छी रहे। सो सबसे पहले जो है वो मैं ये ले लूँगी फिट मी, ठीक है, ये है तो लोकल लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट है और बहुत अच्छा है। सो पहले ये अप्लाई कर लेते हैं। Now I am using my foundation brush. इससे इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडर और इसको हम ब्लेंड कर देते हैं।
सारा फेस पे टैप टैप कर लेना है क्योंकि ये फुल फेस पे भी फिर आपकी शाइन ग्लो और आपकी जो सारी फाउंडेशन है ना वो हिलेगी नहीं कहीं भी। फाउंडेशन के लिए रख लेती हूँ, एक साइड मेरी कंसीलर के लिए होती है, ठीक है, जिससे मैंने फाउंडेशन लगाई यहाँ से और जो डार्क कंसीलर था वो भी यहाँ से, लेकिन लाइट कंसीलर जो है वो इस साइड से, ठीक है। फाउंडेशन मैंने ब्रश से ही की थी आज तो, और डार्क कंसीलर इस साइड से किया है और लाइट कंसीलर इस साइड से, क्योंकि अगर हमें बाद में हमारा मेकअप थोड़ा सा ख़राब हो भी जाए तो यही साइड्स हम यूज़ करके अपने मेकअप को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके डी गाइस, कंसीलर मैंने कर लिया है ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से। अब लगाऊंगी मैं ब्लश और ट्रेंड, जैसे आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा लिक्विड ब्लश का ट्रेंड है, सो पहले लिक्विड ब्लश लगा लेंगे फिर लाइट जो है वो, और लिक्विड ब्लश आज मैं कौन सा लगा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। लगाऊंगी ये वाला पिक्सी का, ठीक है, ऑन द ग्लो ब्लश। सो इसको अप्लाई कर देते हैं। ये ना मैंने ऑर्डर किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी की वजह से मेल्ट हुआ हुआ था। अब अपना जो ब्रश है मैंने ले लिया है ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, और हमने इसी लाइन में रहते हुए इसको ब्लेंड करना है, ठीक है, पूरे फेस पे नहीं फैलाना। और अगर ज्यादा होगा तो टेंशन नहीं लेनी, हम इसको पाउडर से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। पाउडर से सेट करेंगे हमने, क्योंकि अभी अपना मेकअप सारा पाउडर से थोड़ा सा सेट करना है तो फिर ये गायब भी हो जाएगा वरना, और फिर पिक्स में भी नहीं आता ना, सो इसलिए। ओके जी गाइस, फॉर कॉन्टोर जो है वो मैं ये क्लारा की है मेरे पास पैलेट, ये यूज़ करने लगी हूँ। सो ठीक है, इसमें से ले लेते हैं हम कॉन्टोर के लिए कलर ये वाला। देखिए जो ब्लश मेरा कितना ज्यादा लग रहा था कैसे इवनली सेटल्ड हो गया ना।
तो खैर अब हम लगाएंगे व्हाइट पाउडर यहाँ पर। जितना कम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा लिप्स जो है वो मैं इन्हांस करूँगी यार, ठीक है। फिलहाल मैंने ये पिक्सी का ही लगा लिया, लेकिन इसको हम फिर कर लेंगे रिमूव। आई शेडोज के लिए जो है वो मैंने ये वाली पैलेट ले ली है रेवोल्यूशन की, ठीक है। इसमें से मैं ले लूँगी ये वाला ब्राउन शेड, ठीक है। मेरा ड्रेस जो है वो थोड़ा ब्लैक है, सो थोड़ा नहीं ब्लैक और थोड़ा वाइट एंड कलरफुल सा है, सो खैर आई विल गो विद दिस ब्लैक, सो खैर आई विल गो विद दिस ब्राउन, ठीक है। दिस ब्राउन, ठीक है, आई होप सो कि आपको पता चल रहा हो दिस ब्राउन। सो इसको डस्ट ऑफ करके फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉर्नर्स में एंड बस, और दूसरी साइड पे भी ऐसे इतना से लगा लें। थोड़ा सा इसको डार्क रखना है और इनर साइड पे जाके कम रखना है, ठीक है। कलर हमने एक ही लेना है, लेकिन आउटर कॉर्नर में डार्क और इनर में थोड़ा सा लाइट। आई शेडो अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा स्मोकी लुक दूंगी अपनी आईज को, और उसके लिए आई विल यूज दिस पैलेट से, इसमें से ब्लैक कलर ले लेंगे हम, ठीक है। और ये वाला तो ये ले लेते हैं इस तरह से कॉर्नर पे रख के आउटर साइड पे, कर लेंगे तो बहुत प्यारा लगता है, बिंदास लगता है। ये इस तरह की लुक है तो कैमरा में भी अच्छी आती है और प्यारे भी लगते हैं। गाइस दोनों आईज पे मैंने कर लिया है, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं इसी वाले ब्रश से जिससे मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया था, हल्का सा ऊपर वाले कॉर्नर पे रख के, ठीक है, ताकि ब्लेंडेड लुक आए, अनइवन लुक ना आए। और ओके फाइन, अब यही वाले कलर्स जो मैंने ऊपर लगाए हैं ना, यही वाले मैं नीचे लगा लूंगी आंख के। ठीक है, लुक इस साइड पे अप्लाई कर लिया, इधर अभी करना है। सेकंड साइड भी कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस, फिर वापस आती हूँ क्योंकि ना स्पेस जो है
मोबाइल में बहुत ज्यादा कवर हो रही है। आईब्रोज आर डन थी तो आई मेकअप भी डन हो गया है। अब मैं अप्लाई कर लूंगी अपने लेंस, सो जल्दी से लेंस भी अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि लेंस से ही लुक निकलनी है लुक। सो हैंड वॉश कर रहा हूँ पहले मैं। ओके जी, अब हम लाइट सा हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, ब्लश ऑन देखे मेरा कितना ज्यादा लग रहा था ना, अब किस तरह से वो सेटल डाउन हो गया। अगर बहुत कम लगाए ना तो फिर वो खत्म ही हो जाता है, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा डार्क लगा के फिर उसको सेटल आउट कर लेती हूँ। अब हम लगा लेंगे इसके ऊपर अपना हाइलाइटर और जल्दी से अपना मज़ेदार सा लिप कलर कोई अप्लाई करती हूँ। ठीक, हाइलाइटर जो आजकल मुझे बहुत फेवरेट हुआ हुआ है ना, वो ये वाला रेवोल्यूशन के नीचे ये दो दिए हैं, मैं ये दोनों को मिक्स करके सो इस तरह से इस ब्रश से मैं ऐसे अप्लाई करूँ। वाओ, अमेजिंग है। इससे थोड़ा सा आपको कलर भी मिल जाता है और आपका हाइलाइटर भी हो जाता है और इस साइड पर भी ऐसे। मैं इस तरह से क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मेरा फेस गोल है, अगर मैं ऐसे लगाऊंगी मेरा मुंह और चौड़ा चिपटा हो जाएगा, सो मैं ऐसे लगाती हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा सा लंबा पतला लगे। पहले ये वाला मैं उतार देती हूँ। अच्छा, लिप कलर आज ना मैं बहुत ज्यादा ट्रेंडी और मिनिमली रहेंगे, कम नहीं, और जिसमें हम टिंट अप्लाई करेंगे जस्ट और ब्राउन आउटलाइन। तीन चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले मुझे याद है मैंने तो अभी मस्कारा अप्लाई ही नहीं किया, लेकिन मस्कारा अप्लाई करने से पहले हम जो है वो आईज के अंदर वाइट पेंसिल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हल्की सी। ओके जी, बहुत लाइट सी अप्लाई की है मैंने, आईज में से पानी आने को कर रहा है। खैर, सेकंड जो है वो आई विल अप्लाई दिस मस्कारा। ठीक है, सो इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसको ना ऐसे उतार लेंगे, अगर इसको गीले को टच कर लिया तो ये सारा फैल जाना है। खैर जी, मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया, अब हम लिप पेंसिल अप्लाई कर लेते हैं।
ओके जी गाइस, ब्राउन लिप पेंसिल लगा के आपने इसको हल्का सा ना ऐसे स्मर्च कर लेना है। ओके, डिफाइनी लिप लाइन जो है वो मैंने सेट कर लिया। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होगा, जैसे आपके लिप्स ठीक लग रहे हैं आपने सेट करके कलर ऐसे ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अब हम लगाएंगे टिंट। लिप टिंट मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ, ये थोड़ा सा रेड है कलर में। ओ खुल गया भाई, खुल गया। ये ड्राई हो जाएगा ना गाइस, इसके ऊपर से फिर हम थोड़ा सा लिप बाम लगा लेंगे ताकि हमारी लिप्स ज़्यादा ड्राई ना लगे। सो यार, टीथ पे भी लग जाता है और इनका कलर आ जाता है टीथ पे। जितनी देर में मेरा टिंट वगैरह सेट होता है ना, मैं जल्दी से ड्रेस चेंज कर लूँ। ठीक है, ड्रेस चेंज करके क्विकली वापस आते हैं। सो ओके जी गाइस, शर्ट मैंने अपनी चेंज कर ली है। ठीक है, और टिंट भी ऑलमोस्ट मेरा ड्राई हो गया, तो अब हम इस पे ना लिप बाम अप्लाई कर लेते हैं। पहले बिलिन का लिप बाम, सो ये अप्लाई कर लेंगे तो इससे ज़रा ना ग्लॉसी लुक हो जाएगी, क्योंकि ना जो मेरा ग्लॉस था ना वो ख़त्म हो गया। सो इससे ही मैं जुगाड़ लगा के ना आज के लिप्स को ग्लॉसी कर रही हूँ। काफ़ी हो गए ग्लोस से, तो अब हम पहन लेते हैं इयरिंग्स। इयरिंग्स के लिए मेरे पास ये वाले हैं, 500 पुना टाइम मैंने लिए थे, इनको कर लेते हैं सीधा। ऐसे हैं ये, ठीक है, इसको मैं पहन लेती हूँ। वेयर आउट, तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत अटकी हुई होती हैं, इनको सेटल भी करना पड़ता है। सो ये है जी। सो गाइज, इयर रिंग्स वगैरह पहन लूँ तो फुल लुक दिखाती हूँ। ओके जी गाइज, बाल शाल भी मैंने थोड़े से सेट कर लिए हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो रिंग्स पहन के आई हूँ, और अब अपना नेल पेंट मैं सेट कर लूँगी। पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि ना वो ख़राब होता रहता है। सो इसको हम इस तरह से जल्दी से सेट कर लेते हैं। गाइस, मैं नेल पेंट सेट कर लूँ, ये वापस आते हैं। गाइस, नेल पेंट मैंने अप्लाई कर लिया है टंटना। अब जी आ गई है बारी मेकअप फिक्सर की, जो कि आपने बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि इससे ही आपका मेकअप स्टे करेगा। सो इसको आपने थोड़ा सा फेस से फासले पर रख के फिर करना है, मुंह के ऊपर रख के नहीं करना, वरना सारा मेकअप मेल्ट होकर ख़राब हो जाएगा। सो थोड़ा सा पीछे करके बस 2-3 पम्प्स कर लेने, इतना सही। सो इनफ है, ये आपका जो मेकअप है ना इससे सेट हो जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं हिलेगा 3-4 नहीं 6-7 घंटे तक ऑलमोस्ट। सो या टेंशन ना। सो अब मैं दुपट्टा ले लूँ और फिर आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। नेल पेंट ड्राई हो गए, ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की लुक, आज का मेकअप जो है बहुत अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।